अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग इंदरान। आप सोच रहे होंगे हम इतनी सुबह क्यों उठ गए हैं, क्योंकि बबूसर टॉप जाने के लिए अगर जल्दी जाएंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे, नहीं तो रास्ते में इतना रश हो जाएगा कि वहां पे गाड़ियां गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये होटल में हमें आज नहीं मिली, तो ये तोता अपना जुगाड़ लगा रहा है, पैन से कपड़े ब्रश कर रहा है, तो ये बहुत अक्लमंद है। तो ये देखें कितने अच्छे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि बस यहाँ पर आयरन नहीं मिली। बाकी बाज़ार में आयरन अवेलेबल है, गैस वाली, वहाँ पर पैसे दे के कपड़े प्रेस करवाने हो तो करवा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, शायद एक सूट का 100+ चार्ज करते हैं। तो यहाँ से अब हम चेकआउट करना है, क्योंकि कल दोपहर 1 बजे हम आए थे, लिया था होटल, और अब सुबह 5:30 हो रहे हैं। हमने नमाज वगैरह पढ़ के अभी नाश्ता भी नहीं किया, बस तैयार होना है और सारा सामान ले कर निकलने लगे हैं हम। तो जी अब हम निकलते हैं। आज हम जा रहे हैं वापस, तो अब हमने बबूसर टॉप जाना है, ठीक है। तो चलो चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी चलते हैं, सामान रखना है, टाइम कम है, आ जाओ। शाबाश, उतर गया तोता, जा रहा है गाड़ी में सामान छोड़ने के लिए। जी तो हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, सारा सामान गाड़ी में रख रहे हैं और कुछ ज़रूरत की चीज़ें आगे गाड़ी में अपने पास रखेंगे झोली में। तो अखरोट खरीद रहा है, और किस्मत खराब वो भी थोड़ा काला निकला, ये देखो ये ऐसे निकला, ये काला बाकी गिर गया नीचे, टूटा भी नहीं ना, उन्हें ऊपर उतर डालेंगे। अभी चुन चुन के अखरोट ले रहा है, चुन चुन के। हाँ तो क्या लिया है? ये काजू लिया है, अखरोट लिया है, पिस्ता भी ले रहे हैं, पिस्ता भी ले रहे हैं। हाँ, और ये देखो ये लिया हमने, ये बगैर जो भुना हुआ नहीं ना होता, ये वो हमने लिया बगैर भुने, खा के देखते हैं इसको। सही है, चूटा। हाँ भाई, क्या लिया है? ये अखरोट, पिस्ता और काजू, काजू और इस्लाम के फेवरेट। तो जिस जगह पे भी जाएं उस जगह की सौगात लेनी चाहिए। अपने सिटी में तो हम हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो जिस जगह की सौगात होती है वहाँ से वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और ओरिजिनल मिलती है, इस वजह से हमने यहाँ से ली। वैसे अखरोट हमें लाहौर में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो छोटे भी होते हैं और थोड़े महंगे भी होते हैं ना, थोड़े कड़वे भी होते हैं। हाँ, तो ये हमने इसलिए यहाँ से खरीदी हैं। चलो ले लिए, चलो आप निकलो फिर। वैसे उसको पेमेंट तो करो आप, जब पेमेंट करनी है अभी। हाँ जी, ओके। हाँ जी, हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर, हमारा सफ़र होटल से बट्टाकुंडी तक का स्टार्ट हो गया है। तो अब हम जाएंगे बट्टाकुंडी, वहाँ पे हमने करना है नाश्ता। तो ये रास्ते में लिखा हुआ आई लव नारान, यहाँ पे हमने पिक नहीं बनवाई, ये हसरत रह गई थी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे पिक लाजमी बनाएंगे। ये दरिया साथ साथ जा रहा है, बहुत अच्छा व्यू था, सुबह की इतनी फ्रेश एयर आ रही थी, डीप ब्रीदिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये कल की बहुत थकावट थी, और ये सारी जो सुबह की फ्रेश एयर है उससे थकावट दूर हो रही थी। ये जो भेड़ बकरियाँ आई हैं, चरवाए हैं, इसका व्यू सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। लोग समझते हैं कि शायद गरीब हैं, लेकिन एक भेड़ इनकी कोई 20-30 हज़ार की है, तो मीन्स के एक रेवड़ के अंदर इनके पास कोई 50-60 से ज़्यादा बकरियाँ हैं, तो मीन्स के सबसे अमीर यही लोग हैं, लेकिन सादे लोग हैं यहाँ के। तो ये हम तो आगे थोड़ा सा निकल आए हैं, तो बट्टाकुंडी आने वाला है, तो वहाँ पे पहले हमारा मूड था कि वहाँ पे रुक के थोड़ा सा देखेंगे कि कोई अच्छा होटल मिला तो वहाँ पे नाश्ता करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमें होटल नहीं मिला। रास्ते में एक ग्लेशियर से गार बनाई हुई थी, पॉइंट बहुत प्यारा था, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, ये ग्लेशियर है, तब गाड़ी में बैठी हुई है, तो ये देखें पानी टिप टिप करके गिर रहा है ग्लेशियर। बट्टाकुंडी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। आप ये देखें बट्टाकुंडी का व्यू अच्छा है, यहाँ पे नाश्ते के लिए हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। तो भूख भी लग रही है, बिस्किट खाया मैंने, तोते ने भी थोड़ा सा खाया था, तो बहुत लग रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई नाश्ता हमें नज़र नहीं आ रहा था, कोई अच्छा होटल नहीं था। तो हमने कहा कि अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा बुरा भाई बड़ू भाई जैसे कहते हैं, वहाँ पे रुक के हम नाश्ता करेंगे। तो अब हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं।
हम नाश्ता के लिए आ गए हैं। यहाँ पे रास्ते में एक छोटा सा ये बुरा वही रेस्टोरेंट है, बुरा वही कहते हैं, कोई इसको बुढ़वाई बोलते हैं लेकिन बुरा वही नाम है। तो यहाँ से हम नाश्ता करेंगे अभी बैठ के। यहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से ग्लेशियर्स के, आप वीडियो में नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ और नीचे इन्होंने देखें कितनी अच्छे चेयर्स भी लगाई हुई हैं और पानी के अंदर चारपाइयाँ लगाई हुई हैं इन्होंने, और हम इनके ऊपर बैठ के अभी नाश्ता करेंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ना फ्लू जैसे हो रहा है ना मेरा, मुझे बहुत नींद आ रही थी गाड़ी में, मैं सो गया था नरान से यहाँ तक ये मैं सोता हुआ आया हूँ। कुछ व्यूज़ थे वो कैप्चर किए हैं मैंने रास्ते में, तो वो वीडियोज ही आपने पहले देखे हैं छोटे छोटे क्लिप। और यहाँ आके ना ये हम मरीज आते हैं या मालम जब्बा कलाम वगैरह जाते हैं, वहाँ पे ना ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ना ग्रीनरी है, तो आप बड़ा अच्छा लगता है आपकी आँखों को भी जब आप देखते हैं। एक वो जो हम पढ़ते होते थे ना सुबह की सैर में, कि सुबह सुबह जो सर सब्ज घास वगैरह देख के आँखें तरोताज़ा हो जाती हैं, तो वो आज हमने यहाँ पे फील की है। तो बहुत अच्छे यहाँ पे व्यूज़ हैं, आप लोग भी ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आइएगा और अल्लाह की इस जो खूबसूरत सी सरजमीन है उसको देख के इंजॉय करिएगा, खुश होइएगा। अल्लाह की शान है कि ये माउंटेन जैसे बनी है ये देखो, तो आपको भी देख के ज़रूर यकीनन पसंद आ रही होंगे, आपकी आँखों को भी ठंडक महसूस कर रहे होंगे। तो बहुत अच्छा व्यू है ये देखें, हमने भी पहले वीडियोस में देखा हुआ था, लेकिन जब आप हम यहाँ आके हमने देखा इतना अच्छा लगा, तो आप लोगों को भी यकीनन वीडियोस आपको दूसरे व्यू से दिखाता हूँ बैक जरूर आइएगा, काफ़ी सारे पैसे जमा करके। तो ज़्यादा लोग हों ना तो फिर टूर का मज़ा आता है, तो हम भी यहाँ पे 5 लोग हैं अभी, तो हम तो काफ़ी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। रश ज़्यादा नहीं है, जुलाई अगस्त का महीना जो होता है उसमें ज़्यादा रश हो जाता है, हम जून में आए हैं यहाँ पे, जून के स्टार्ट में हैं हम, तो इसलिए अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन फिर कहीं कहीं जगह पे रश था जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे बाबूसर टॉप पे जाएंगे यकीनन वहाँ पे काफ़ी रश होगा, वहाँ पे ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, तो देखेंगे जो आगे। नाश्ता करते हैं, नाश्ते में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, बताएंगे क्या क्या हमने नाश्ता किया है। कल का नाश्ता आपने देखा था कि जो वीडियो में आपको दिखाया था, तो यहाँ पे ना पराठे मैदे के मिलते हैं, जो कि मैदा वैसे बहुत हैवी है और उतने ऑयली होते हैं, और आज यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या मिल रहा है। तो बाकी कुछ वीडियोस आप लोगों को साथ साथ जो व्यूज़ हम कैप्चर करेंगे वो साथ साथ वीडियो में दिखाते जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइफ ऑफ अरसम्स को फेसबुक पे भी उसको आप देख सकते हैं, तो ऐसा ऐसा और भी बाकी इंस्टा ट्विटर पे भी इंशाल्लाह हम जल्दी आएंगे, एक्टिव हो जाएंगे जल्दी। चलो अब हम नाश्ता ऑर्डर करते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर नाश्ता करेंगे, फिर अपना दोबारा सफ़र स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नाश्ते की टेबल पर। पानी में से बहुत ध्यान से जाना पड़ रहा था, पहले मैंने सोचा था कि तोते को मैं सहारा दूंगा, लेकिन जब मैं पानी में उतरा तो खुद ही अपने आप को बैलेंस करना पड़ा मुझे, और तोता खुद ही अपने ओन पे पीछे पीछे आराम से आ गया और चारपाई पर चढ़ गया, क्योंकि मैंने शॉर्टकट लगाया। तो वो पानी में से होके आए, जैसे वीडियो में देखा आपने, तो हमारे पाँव सुन्न हो गए हैं, इतना ठंडा पानी है यहाँ पे, आप इसमें 2 मिनट या 3 मिनट खड़े नहीं हो सकते। 2-3 सेकंड हाँ, तो ये नाश्ते वाला हमें कह रहा है कि वहाँ पे ले जाओ, तो ये देखें अब हम नाश्ता करेंगे, उसके आपको व्यूज़ दिखाएंगे। अंडा पराठा हमने सिर्फ ऑर्डर किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे अंडा पराठा है या ऑमलेट है, हाफ फ्राई और हाफ फ्राई तो मैं खाता होता हूँ, मेरा फेवरेट है। तो अब हम नाश्ते से करते हैं, ये देखो पानी ठंडा है, यहाँ पे करो कैमरामैन, ये इतना ठंडा पानी है, ब्लू है पानी 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 पानी, बंद करो। तो आ गया ये तोते के हाथ में नाश्ता है, ये देखो हमारे अंडे पराठे आ गए हैं, वाओ मज़ेदार। ये तो नाश्ता मैंने कर लिया है, तोते ने भी कर लिया है, नाश्ता कैसा लगा तोते? बहुत मज़े का था, आज हमने पराठों के ऊपर खुद से ना उन्हें कहा था कि घी कम लगाइएगा, तो ऑयल अच्छा नहीं ना होता, तो घी भी अच्छा नहीं होता, यहाँ पे घी ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग, वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मज़ा आया आज, हाफ फ्राई मुझे अच्छा वाला मिला था, कल मुझे हाफ फ्राई अच्छा नहीं मिला था, उसकी ज़रूरत उन्होंने तोड़ दी थी, तो जो हाफ फ्राई अंडा होता है मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो ऑमलेट पसंद है, इसलिए मैंने ऑमलेट ही खाया, और अरसलान को हाफ फ्राई भी कच्चा वाला बहता हुआ अंडा वो पसंद है। बिल्कुल नहीं, ठंड लग रही है, पता कह रहा ठंड लग रही है पाँव को, पाँव अभी मेरे बहुत ठंडे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कंपटीशन करूँ कि कौन ज़्यादा पाँव रखेगा पानी के अंदर, तोता या मैं, तो कहती है नहीं मैं नहीं करूँगी कंपटीशन, तोता सेहत कॉन्शियस है।
अब हम नाश्ता कर लिया, अब आगे जाएंगे, अब देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट आता है, फिर वो आपको दिखाएंगे। रोड के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो पहली बार यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होगी ये न्यूज़। काफ़ी चैनल्स ने भी अपडेट्स दी होती हैं कि यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ की रोड कैसी है, तो अब देखते हैं। मेरी चाय रहती। हमारा नाश्ता हो चुका है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लुलूसर दूधी पर नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टे ट्यून्ड टू बी कंटिन्यू।